गाइस व्हाट इज अप पब्लिक, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो यार आज थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हम लोग गेम प्ले के साथ साथ। मेरी पीछे वॉइस चल रही है और साथ में मेरे साथ मेरा रूममेट है जिसका नाम है अमर। हाय गाइस, मैं हूं अमर राज गुप्ता और आप सब जुड़ चुके हैं मिस्टर शिव के चैनल पे। पोस्टर हम लोगों के सामने है और पोस्टर में बहुत ही कहने की मीनिंगफुल पोस्टर मेरे को लग रहा है। तो पहले सबसे पहले जो हिप हॉप को नहीं जानते पहले उससे पूछते हैं कि आपको इस पोस्टर के अंदर क्या लग रहा है। तो भाई अमर, आप ये पोस्टर देख रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या मैसेज लग रहा है या क्या लग रहा है? भाई मैंने तो कभी हिप हॉप वैसे सुना भी नहीं है और ये पोस्टर भी मेरे सामने पहली बार है। मैं इसको लैपटॉप में थोड़ा ऊपर नीचे करके देख पा रहा हूँ तो कुछ ये आग सी लगी हुई है और कुछ हाथ है जो लाइक शैतान के हाथ लग रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कबूतर, ये हूर, ये जो उन्हें उपाधि देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो सच है, सच्चाई है उसकी बातों में। बाकी शिव जी आपको बताएंगे। बाकी यार मेरे को लग रहा है कहीं तक 90% तक अमर ने बातें सही बोली है। तो बेसिकली ये जो है ये एक रैपर है, इनकी एक एल्बम आ चुकी है तड़ी पार। तो ये जो ड्रेस वगैरह है तड़ी पार के अंदर यूज की गई थी और ये इस तरीके के जो मास्क है फर्स्ट टाइम एमसी स्टैन किसी रैप में शायद यूज करेंगे अगर इसके अंदर यूज करेंगे। और मेरे को कहने का ऐसा लग रहा है कि तड़ी पार के अंदर बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने बताई थी लेकिन स्टोरीज को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अब मेरे को लग रहा है जो ये इंसान इनकी जो एल्बम आ रही है तो जो छोटी छोटी जो कहानी बताई थी जो लोगों के मन में कंफ्यूजन थी कि अच्छा ये भी हुआ था स्टैन के साथ, ऐसा भी हुआ था, तो शायद मेरे को लग रहा है कि वो सारी की सारी चीजें इंसान एल्बम के अंदर कवर करेगा। ये पार्ट टू भी हो सकता है। हाँ ये आपने सही कहा कि मतलब उनकी स्टोरी के छोटे छोटे टुकड़े वो पार्ट टू में आपको दिखाना चाहते हैं। और यहाँ तक कि कुछ सूत्रों से ये भी पता चला है कि इनकी 2-3 एल्बम और बन के रेडी हो चुकी है और ज्यादातर इनकी जो तड़ी पार एल्बम आई थी तो उनके अंदर भी इन्होंने स्टोरी ही बताई थी अपनी, क्योंकि इनके ऊपर पुलिस के केस लग चुके हैं, झूठे केस लग चुके हैं। अच्छा। लोग इनके गाने लीक कर देते हैं, मतलब जितने भी गलत काम किसी एक इंसान के साथ हो सकते हैं वो सारे के सारे भाई ये एमसी स्टैन के साथ हुए हैं। और मैं यहाँ पे जो मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भाई नीचे यानी कि धरती पे कुछ शैतान लोग हैं जो एमसी स्टैन को दबाना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। फिर आप ये समझ लो कि यहाँ पे एमसी स्टैन ने ये दिखाया कि जो धरती है वो एक नरक है और यहाँ पे कोई उसकी सुनना नहीं चाह रहा है, बस सिर्फ जो है लोग पकड़ना चाह रहे हैं एमसी स्टैन को, इस नरक के अंदर बदनाम करके उनको जो है खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन मतलब आपका कहना ये है कि जस्ट लाइक ये हर आदमी से रिलेट होता है क्योंकि जब आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो लोग कहते हैं और ये कहावत भी है कि लोग उसका पैर खींचते हैं। हाँ तो यही तो वही है एग्जैक्ट, ये पैर खींच रहे हो साथ में। ये बहुत ही सही चीज, देखो ये एक हाथ में इनके दिल है और ये रोजीज हैं। तो मेरे ख्याल से इनके कुछ गाने हमने सुने हैं स्टैन की एल्बम के अंदर तड़ी पार के अंदर, तो उन्होंने प्यार से रिलेटेड चीजें भी बताई और ये और अक्सर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह भी डालते हैं कि मेरे प्यार से दिल उठ गया है, मेरा लोगों से विश्वास उठ गया है। तो मेरे को शायद लग रहा है कि इस एल्बम, ये बहुत ही गहरी एल्बम होने वाली, बिल्कुल डीप एल्बम होने वाली, क्योंकि दिल है एक हाथ में और साथ में रोजेज है, रोजेज तो एक प्यार का सिंबल होता है और दूसरे हाथ में खून है। तो बेसिकली मेरे को लग रहा है एमसी स्टैन शायद जो आप थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊं, जो इसके हाथ में घड़ी दिख रही है और ये अंगूठी वगैरह ये वैसे एमसी स्टैन की ही है। तो शायद एमसी स्टैन इसमें ये भी दिखाना चाह रहे कि भाई मैं अपना दिल निकाल के रखने वाला हूं इस एल्बम के अंदर शायद। और दिल और जब दिल की बात रहेगी तो भाई फिर चाहे उसके साथ लड़की ने धोखा दिया हो या उसके दोस्तों ने धोखा दिया हो, और इस रैपर के साथ अक्सर ऐसा होता है कि इनके जो जितने भी दोस्त लोग हैं वो सारे विश्वासघात करते हैं क्योंकि ये उनमें सबसे ज्यादा फेमस हो चुका है और उनको लगता है कि यार हमको ये साथ में लेके नहीं चलता क्योंकि इसके अंदर एटीट्यूड आ गया, ये फेमस हो गया। लेकिन भाई ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है और अक्सर इन्होंने अपने गाने में भी बोला है कि ये फरिश्ते वगैरह की बातें अपने गानों में करते रहते हैं ये। तो मेरे को लग रहा है कि ऊपर जो फरिश्ते हैं वो शायद, जैसे तुमने बोला कि इसका दिल साफ है, तो फरिश्ते भी बोल रहे हैं कि आप ऊपर आ जाओ, आपको हम वो इज्जत देंगे, वो सम्मान देंगे जो शायद आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, भी नहीं मिल पा रहा है। और कबूतर वगैरह, तो कबूतर का सीधा हम रिलेट परियों से कर सकते हैं, स्टोरी फेरी टेल जो कहानियां होती है परियों की। तो मेरे को लग रहा है कि ऊपर वाले जो भगवान है वो कहीं ना कहीं स्टैन को जान चुके हैं लेकिन नीचे जो शैतान बैठे हुए हैं वो शैतान एमसी स्टैन को नहीं जान पाए और वो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बोले तो ये हार्ड है भाई, मतलब आप वेट, मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैंने कभी और अभी से मैं इनके गाने सुनूंगा और सारी चीजों पे थोड़ा सा रिसर्च जरूर करूंगा कि ये क्या चीजें हैं। गाना सुनोगे ना आप खुद बोलोगे यार ये बंदा बहुत ही ग्रेट है और यूनिक, आज तक मैंने भाई इस जैसा आर्टिस्ट अपने इंडिया के हिप हॉप के अंदर कभी नहीं देखा। और शायद मेरे को तो पब्लिक इतना ही यही सुख समझ आ रहा है, बाकी आपको कुछ नीचे समझ आ रहा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये बहुत ही गहरी एल्बम होने वाली है, दिल निकाल के एमसी स्टैन इसके अंदर रखने वाले और शायद जो हमें दूसरे जो इनके हेटर्स हैं, इनके दोस्त लोग हैं, उनके जरिए पता चलती है, शायद अपने मुंह से एमसी स्टैन वो बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। और एल्बम का नाम भी इंसान है तो सिंपल सी बात है, इंसान
कोई गाने का नाम रखता है अपने, तो इंसान मतलब कि यार इंसान के कैरेक्टर क्या होने चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए, शायद वो भी इसके गाने के अंदर बात हो सकती है कि एक परफेक्ट मैन, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैसा हो सकता है। मतलब आप अपने जीवन को इस एल्बम के द्वारा देख सकते हैं और वो भी यूनिक तरीके से, और आप उसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी और कुछ भी हमें बताना चाहें, कुछ कमेंट करना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें तो जरूर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बोले और हम सुने। और साथ में मुझे लग रहा है कि अक्सर एमसी स्टैन को लोग कहते हैं कि ये यूथ को खराब कर रहा है, अपने वीडियो के अंदर नशा वगैरह दिखा रहा है, लड़की वगैरह दिखा रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि एक बार लाइव में भी एमसी स्टैन ने बोला था कि मेरे को मत सिखाओ कि यूथ को कैसे ग्रो करना है, यूथ को क्या मैसेज देना है। तो मुझे लग रहा है कि वो यूथ को शायद इस एल्बम के अंदर अच्छा मैसेज मिल सकता है, जो इनके फैन है, जो एमसी स्टैन को जानते हैं। तो भाइयों आप अपनी राय देना ना भूलें, अपना रिप्लाई दे, रिवर्ट दे कि इस पोस्टर से आपको क्या समझ में आ रहा है। कि एंजॉय करिए दोस्तों लोग, और एमसी स्टैन यस हक से एंड तक एमसी स्टैन, और 31 दिसंबर का वेट है यार, कुछ ना कुछ बहुत हड़बड़ी हो रखी है जैसे ये पोस्टर आएगा यार, कब आएगा। और तो हार्ड है ब्रो, नए साल पे मिलते हैं एक बार इंसान के साथ एमसी स्टैन हक से, एक बार एमसी स्टैन हक से, दिल से दिल से, यो बाय बाय दोस्तों।